दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय के समन मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश हुए। पेशी के एक मिनट बाद हाईकोर्ट ने उन्हें 15,000 के मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को हाजिर होने से भी छूट दे दी है। ईडी ने कोर्ट से कहा कि वो शराब नीति को फाइनल करने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपी पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है, लेकिन 8 समन भेजने के बाद भी वो हाजिर नहीं हुए। केजरीवाल के वकील ने उन्हें कोर्ट से अपील की कि उन्हें ईडी से वो दस्तावेज चाहिए जिनके आधार पर उनसे पूछताछ होनी है। कोर्ट ने ईडी को दस्तावेज देने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई थी।